और अब खाते हैं, पेट भरते हैं, है ना जी। कैसा है थोड़ा टेस्ट बताइए। सलाद एक नंबर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज भट्टी के साथ आए हुए हैं रांची, अभी आए हुए हैं हम लोग रांची, रांची के बूटी मोड़ में है। बूटी मोड़ में अभी हम आनंद भट्टी भी है तो वो अभी आगे आए हुए हैं, वो अपने काम से कुछ गए हुए हैं उधर, ठीक है। तो अभी हम लोग बूटी मोड़ में खड़ा है और अभी कहे आए हुए हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। हाँ, बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, धमाका होने वाला है। अरे यहाँ का नज़ारा देखिए, बूटी मोड़ का इधर बहुत सारा टेम्पू चलता है और इधर सब्जी वगैरह बिक रहा है, इधर फल डल पूरा फल डल इधर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, है ना। यहाँ से हर जगह जाने का गाड़ी मिलता है, बड़ा बड़ा बस भी चलता है, लेकिन हाँ पे जाइएगा एक से एक लोग। इधर देखिए मस्त मस्त आम है, केला है, इधर पानी बोतल सब कुछ। इधर इडली भी है और यहाँ पे देखिए जिंदा मछली बिक रहा है, फिर काट के देते हैं। भत्ती जाके चल गए हैं, चलते हैं फिर, मछली बाजार है। और ये देखिए बस आ गया और इधर में देखिए और सारा फल डल बहुत सारा, एक से नारियल इधर बिक रहा है। और ये देखिए बुट्टी मोड़, इधर आइए इधर आइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारा रुगड़ा है, हम लोग थोड़ा कम मिलता है, ये बहुत सारा रुगड़ा। कैसे क्या जी रुगड़ा, कैसे कैसे रुगड़ा, 100 रुपये पाव, 100 रुपये पाव यानी 400 रुपये केजी। और ये अमृतवा का रुपये पीस, दस रुपये का है वो, तीन गो अमरुद देवा है, अमरुद तीन गो देवा बड़का बड़का दिन पाकल वाला, अच्छा अच्छा वाला चुनिए। आज बूटी मोड़ के अमरुद खाते हैं आज, बहुत दूर हुंडरू फॉल कर रखे रुगड़ा, बड़ी महंगा ऑन ना। अच्छा ठीक, कभी फिर बाद में। अब हम लोग अमृत का मजा लेते हैं, आइए इधर आइए। आनंद भट्टी जब भी आएंगे तो बोलेंगे कि खा लें, कभी आने का इंतजार करते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। उधर आगे जाकर आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक ही बैठ नहीं। इधर सामने मिलिट्री कैंप है, मीठा लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लगा लेकिन मीठा नहीं लगा, पानी पानी जैसा लगा, अच्छा लग नहीं रहा। और इधर देखिए एक से एक बस, पूरा बस लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा तिरंगा, वो देखिए क्या ही मस्त लहरा रहा है एकदम। ये देखिए तिरंगा झंडा मस्त लहरा रहे हैं, मजा आ रहा है। पूरा अच्छा लगा लेकिन शहर में घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा एक से एक चीज देखने को मिलता है जो देहात में नहीं मिलता है, वो चीज शहर में मिलता है। और शहर में जो देहात में मिलता है वो शहर में नहीं मिलता, शहर में मिलता है, मतलब देहात में शुद्ध हवा मिलता है और यहाँ प्रदूषण थोड़ा ज्यादा है, पूरा अच्छा मिलता है। हाँ अच्छा, चलिए लोग भी होते हैं देहाती लोग। हाँ और यहाँ का देखिए इस तरह से हम लोग चलेंगे आगे। और मिलिट्री कैंप का यहाँ पे गेट है और इधर तोप एक बड़ा सा, ये देखिए बड़ा सा तोप और गेट, यहाँ पे पूरा फील्ड है एकदम अंदर। और भतीजा भी यहाँ पे देखिए, क्या बोलते हैं भतीजे इसको, सोफा। ऐसे तो नहीं मिला है शादी में, लेंगे लेंगे ना, अच्छा
मजा लगता है। और इधर बड़ा सा है, अंदर है मालिक। हम भी बैठ के देखे, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, पूरा एकदम थकान दूर होने का जैसा लगा। बढ़िया दोस्तों, हम लोग सोफा में बैठ लिए, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। लेकिन हम लोग तो नहीं अभी कर देंगे, हाँ अभी नहीं कर देंगे, वैसा जगह भी नहीं हम लोग का। अभी लेंगे तो बात ही लेंगे, अभी तो अभी है दिन, अभी हाँ लेंगे अभी, हाँ जरूर कंप्लीट करेंगे। हाँ पहले ये ले रहे हैं, पहले ये ले लेंगे ट्रैक्टर, पहले हम ट्रैक्टर लेंगे। हाँ नहीं अभी नहीं, हम लेंगे। हाँ अभी देखने जा रहे हैं हम, क्योंकि देखिए हम लोग सब्जी उब्जी का खेती करते हैं, चलाने के लिए दिक्कत होता है हम लोग को, और अगल बगल बगल को भी होता है, क्योंकि यानी हम लोग का गांव में थोड़ा ट्रैक्टर का कमी है, और ऐसा कोई लोग नहीं है कि ले पाएंगे ट्रैक्टर। उसी की सलाह सोचे कि चलिए कार लेने से अच्छा है ट्रैक्टर ले लें, दिखावा नहीं करेंगे, क्या बोलते नहीं, क्योंकि पहले काम में पहले पैसा आएगा, उसके बाद नहीं तो कार ले जाएगा ना, तो पेड़ नहीं डाल पाइएगा घूमने के लिए, बात सही, इतना पैसा हम लोग कमावे नहीं करते हैं। उसी के तलाश में हम लोग अभी रात ही आए हुए हैं। हाँ रात ही आए हुए हैं, अभी शोरूम देख रहे हैं, शोरूम में देख रहे हैं हम लोग, शोरूम के लिए रोड के किनारे किनारे जा रहे हैं। इधर देखिए क्या है, डिप्रेशन, इधर सजावट, ये सब टाइल्स वगैरह का है, लगाएंगे हम लोग भी घर। और हम लोग पहुँच गए, ये देखिए महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम, महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम। हाँ चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलेंगे, वो आएंगे और जाएंगे, वो हाँ पीछे हैं, अभी कॉल किए हुए थे तो आ रहे हैं। हाँ देखिए इधर से आएंगे, और ये देखिए एक सामने में ही बड़ा सा बिल्डिंग, बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पे बिल्डिंग है। यहाँ कौन रहता होगा बताइए? लॉज वाले पढ़ने वाला, स्टूडेंट ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो देखिए महंगा महंगा जिनका पास पैसा कौड़ी है। हाँ वही बच्चा है, सब रहता है समझे, 4,000-5,000 फीस रहता है महीना। वो देखिए उधर भी है, ये सब देहात में देखने को नहीं मिलता है, शहर आए तो ये सब देखे। भतीज को देख रहे हैं, भतीज देख रहे हैं भतीज को। हाँ धीरे धीरे पूरा अंदर प्रवेश कर गए, और इधर बातें विचार करने के लिए यहाँ दोनों देखिए बात कर रहे हैं, और ये देखिए दो ठो गाड़ी है, अभी हम लोग बैठ गए हैं, और भैया इधर जानकारी दे रहे हैं सिस्टम क्या होगा का। सो दोस्तों बातें विचारे हो गई, हाँ मिल गया, क्या क्या प्लान है सब बता दो। हाँ सभी प्लान बता दिए, अगर आप लोग भी कोई इधर होंगे और लेना चाहते होंगे तो लीजिएगा। हाँ यानी अभी दाम बोले हुए हैं 7,00,000 टोटल, हाँ लगभग 8,00,000 में हो जाएगा इस महीने के अंदर। हाँ इस महीने के अंदर बोले हुए लेने के लिए। देखते हैं जैसे हम लोग का प्लान बनता है तो फिर हिसाब से चूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ बजट के अनुसार, बजट के अनुसार जी। हाँ दोनों अलग गाड़ी है, चाप के देखिए। नहीं हम नहीं, ये अलग गाड़ी हम नहीं देखेंगे, चलाइएगा जी जब जाएगा वहाँ चलाएंगे। हाँ भतीज आप चढ़ के और देख रहे हैं। हाँ देख रहे हैं कैसा लगता है, ये पावर स्ट्रिंग नहीं है, वो चलिए ठीक है। पानी भी आ रहा है और बारिश आना चालू हो गया दोस्तों, देखिए हम लोग शीशा के अंदर में है। थोड़ा शहर है ना, शीशा यहाँ लगा हुआ है। हाँ शीशा पूरा सेपरेट, गर्दा उर्दा अंदर नहीं आएगा इसलिए। हाँ चलिए बारिश छूट गया, चलिए चलिए हम निकलना। हाँ हम लोग यहाँ से निकल गए, और ये देखिए रोड का नजारा काफी मस्त, अभी बारिश हो रहा था अभी छूटा हुआ है दोस्तों, एक से एक बिल्डिंग देखने को मिलता है यहाँ पे रांची शहर में। और हम लोग घर की तरफ चले, अब बहुत ज्यादा गाड़ियाँ हैं इधर देखिए। हाँ बहुत ही ज्यादा ट्रक सब भाड़ा वाला आ रखा है, पूरा है क्या है, हॉस्टल है ना। और ये
ये देखिए इधर भी पूरा भीड़ भड़ाका है, इधर हॉस्पिटल है। और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ तरफ मोड़ दिए और यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, यहाँ पे मिलता है। अच्छा चलिए यहीं कुछ। हाँ तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे चावल खा लेंगे और इधर पे धोने का है जगह, उधर धो लिए। चलिए हम भी धो लिए। चलिए इधर बैठते हैं। तो हम लोग तीनों बैठ गए और ये देखिए चावल आ गया। और आज हम लोग आज जब से YouTube में आए हैं कुछ दिन के बाद में तो चला साथ में, फिर इधर उधर हो गए। बहुत दिनों के बाद में फिर एक साथ में खाने जा रहे हैं, तीनों मिलके खाएंगे एक बेंच में। यूट्यूब में नहीं लाते तो शायद यहाँ पर आज तीनों में नहीं खाते। हाँ नहीं खाते, जैसे ये सब खा लेते लेकिन ये सब नहीं खाते। अंडा, चलिए स्पेशल में अंडा आया है, अम्लेट। आज हम लोग का यही पार्टी है दोस्तों। दोनों भतीजा है मेरे, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किए हैं हमको यूट्यूब लाने के लिए। चलिए आ गया, आ गया ना। और अब खाते हैं, पेट भरते हैं, है ना जी। कैसा है थोड़ा टेस्ट बताइए। सलाद एक नंबर। हाँ बहुत सारा आइटम दिए हुए हैं कि चावल, सलाद, कुरकुरे, दाल, सब्जी, चोखा और इधर स्पेशल में अंडा। अच्छा लग रहा। हाँ हम लोग खाना खा के निकल गए। उन्हीं का वजह से आज बिजनेस के बारे में सोचने का मौका मिला। वैसे तो कुछ पैसा है लेकिन उतना भी नहीं था, ले पाते। शादी में कुछ खर्चा भी हो गया। चलिए चलते हैं। चलिए देखिए अभी मौसम क्या हुआ है। चले थोड़ा देर पहले धूप था, धूप था लेकिन तुरंत में मौसम चेंज हो गया। हम लोग इधर जाएंगे एकदम। तो अभी हम लोग आ गए हैं सखुआ का बगान में। हाँ, ना थोड़ा घूमना भी जरूरी है। जो केतल सुध आए होंगे वो देखे होंगे ये बगान। ये बगान काफी मस्त है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ आने के बाद में पूरा दिल खुश हो जाता है। हाँ पूरा खुश हो जाता है। और कोई भी आए होंगे तो कैसा लगता है वो आप लोग भी अनुभव किए होंगे। शूटिंग ज्यादा होता है यहाँ, तो ज्यादा फिल्म शूटिंग होता है। और ये देखिए यहाँ का व्यू काफी मस्त, पूरा सखुआ एक साइज का है, एकदम मस्त व्यू। और रास्ता देखिए क्या ही एकदम सॉलिड नज़ारा। चलिए थोड़ा देर इधर उधर टहलते हैं और फिर चलेंगे घर। क्या चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ घूम फिर लिए और चल दिए। चलिए अब चलते हैं, खिंचवा लिए। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त लगा यहाँ पे। बहुत ही नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है एकदम। अभी हम लोग घाटी में उतर रहे हैं। और ये रहा झरना बाबा। Thank you.
बहुत ही मस्त नजारा यहाँ से। और ये देखिए इधर सामने में ही पावर हाउस है, पावर हाउस हो रहा है। यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर।